legit. हेलो गाइस, मैं हूं ताइसेर। आज एक और न्यू वीडियो लेके आया हूं। देख सकते हो इधर पे है NS200 के ब्रेक कैलिपर्स। ये सब पूरे आज मैं स्प्रे पेंट करने वाला हूँ रेड कलर। ये रेड फर्स्ट टू कोट्स होंगे व्हाइट कलर, उसके बाद रेड कलर पेंट होगा। तो आज मैं आ गया हूँ टेरेस पे, क्योंकि जब पेंट मारेंगे तो जल्दी ड्राई होना है एक कोट के बाद, हर एक कोट के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर देख सकते हो कि पूरा कवरिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी टेप डाल के पूरा, बस अब पेंट करना है। ये पहले ही मैं मैकेनिक के पास से लेके डिसमेंटल करके लेके आ गया, मुझे तो आता नहीं है इसीलिए। तो चलिए। तो गाइस, एज यू कैन सी मेरा फर्स्ट कोट ऑफ वाइट हो गया है। इतना स्मूथ नहीं है, हम सेकेंड कोट के बाद मिलते हैं। तो गाइस, सेकेंड कोट हो गया है, थोड़ा सरफेस स्मूथ है। अब हम मारेंगे लास्ट कोट, वो है थर्ड कोट, क्योंकि इसके लिए ज़रूरत है थर्ड कोट और स्मूथ होना है सरफेस इसीलिए। तो गाइस, फाइनली हमारा थर्ड कोट हो चुका है और ड्राई भी हो चुका है, और उसकी स्मूथनेस देख सकते हो परफेक्ट दिखा रही है। So, I mean, now full white ho chuka hai. Ab isko karenge hum color red. Ab ye difference dekh lijiye. Ye jo hai without white coat marne ke baad aise dikhta hai. Matlab white coat jab nahi marenge, direct red marenge to aisa color dikhega. जब हम वाइट मार के रेड मारेंगे तो ब्राइट रेड दिखेगा। हमें जो कलर चाहिए वो ब्लड रेड नहीं, ब्राइट रेड चाहिए। तो ये वाला मारने के लिए आपको बस वाइट थ्री कोट्स मारना है, उसके बाद रेड थ्री कोट्स मारेंगे तो आपको मतलब फायर रेड बोलते हैं इसको, ये कलर अचीव होगा, नहीं तो ब्लड रेड, डार्क रेड। तो मिलते हैं फर्स्ट कोट ऑफ रेड के बाद। गाइस, हमारा फर्स्ट कोट ऑफ रेड हो गया है और देख सकते हैं अभी चमक कैसे है। अभी वन कोट में ही इतनी चमक है, तो सोचिए टू या थ्री कोट्स के बाद कितना अच्छा दिखेगी। तो ये रहे बाही के पार्ट्स, तो लग गया। चलो, और सूखने की जरूरत है तो सेकेंड कोट पे मिलता है। सो गाइस, वी हैव फिनिश्ड विद द सेकेंड कोट ओवर हियर, नाउ इट्स ड्राइंग। सो लुक देख सकते हो, फिनिशिंग देख सकते हो, मतलब जब आप तीन कोट वाइट मार के उसके बाद टू कोट रेड मारेंगे तो द फिनिशिंग इज लाइक शाइन, मतलब देख सकते हो कितना शाइन मार रहा है। और अब हम इधर से डायरेक्ट जाएंगे मैकेनिक के पास, फिक्स करवाएंगे, उसके बाद हम हमारी गाड़ी में इंस्टॉल करके उसके बाद हम तुमको लुक दिखाएंगे अच्छा दिख रहा है या नहीं। मतलब इधर से तो अच्छा दिख रहा है, फिक्सिंग के बाद पता चलेगा मतलब पूरा चीज़ वगैरह वगैरह। तो मिलते हैं एंडिंग के टाइम पे। तो गाइस, मैंने हमारे ब्रेम्बो बिक्स बायरो
बैक ब्रिक्स को पेंट किए कर दिया है, और ये थोड़ा क्या बोलते हैं निकल गया है, क्योंकि वो जो धोना है, थोड़ा धोना है, और इधर पे निकल गया है और इधर पे, क्योंकि जब बोल्ट टाइट करते हैं तो वो फ्रिक्शन हो गया, पूरा निकल गया पेंट। और ये वाला भी हमने पेंट किया है। गाड़ी का लुक मतलब पूरा चेंज हो चुका है। बस आज के वीडियो में इतना ही। पेंट करते करते रात हो गया है, किचन भी हो गया, सब हो गया। तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब ना करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय। और एक और चीज़, नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा एक स्पेशल अपग्रेड होगा मेरा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। ओके, बाय गाइस।